नेहरू विहार गली में दिन दहाड़े दो बदमाश बाइक पर सवार होकर दुकान में घुसे। ज्वेलर्स की दुकान पर बदमाशों ने लाखों की लूट की घटना को दिया अंजाम। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही जांच। दिवाली की तैयारियों का दौर जारी। पूर्वी दिल्ली के बाजारों में देखने को मिल रही भीड़। कोरोना का बढ़ रहा खतरा। बिना मास्क के दिखे लोग। पूर्वी दिल्ली के व्यापारियों ने ग्रीन पटाखे बेचने की मांगी अनुमति। व्यापारी अपनी मांग को लेकर पहुंचे हाईकोर्ट। याचिका पर 1 नवंबर को होगी सुनवाई। आनंद विहार में एक्सीलेटर खराब होने से परेशान हो रहे यात्री। प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। आने जाने में लोगों को हो रही परेशानी। ईस्ट एमसीडी के सभी स्कूल होंगे इंग्लिश मीडियम। बच्चों की शिक्षा में होगा सुधार। जरूरत पड़ने पर सेक्शन को बढ़ाया जाएगा। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि बदमाश आए दिन चोरी की घटना को और डकैती जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना दयालपुर के अंतर्गत नेहरू विहार गली नंबर 8 का है, जहाँ दोपहर 2 बजे के आसपास दो बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर वर्मा ज्वेलर्स की दुकान में घुसे। और उन्होंने हथियारों के बल पर लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, जाते वक्त बदमाशों ने दुकान पर काम करने वाले एक लेबर को पैर में गोली मार दी। बताया जा रहा कि बदमाशों ने 4 राउंड की गोलियां चलाई और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि सीसीटीवी के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश भी कर रही है और बताया जा रहा कि बदमाश एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और उनके चेहरे पर हेलमेट लगे हुए थे। उनकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि बदमाशों ने कितने रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। दिवाली की तैयारियों का दौर लगातार जारी है। जगह जगह बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही। लोग जमकर खरीदारी करते हुए भी नजर आ रहे। इस दौरान कोरोना का खतरा भी लगातार बढ़ रहा। लोग बाजारों में बिना मास्क के दिखाई दे रहे। वहीं जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही। नहीं मैम, अभी तो इतनी भीड़ भाड़ है नहीं। 2 दिन रह गए दिवाली के, लेकिन कोई खास रिस्पॉन्स नहीं है। मतलब की काफी लोग बिना मास्क के घूमते हुए दिखाई देते। कोरोना की वजह से, शायद बीमारी की वजह से, शायद इसलिए लोग नहीं है। मार नहीं, अभी तक कोई भीड़ भाड़ नहीं है। शाम के समय उम्मीद है कि भीड़ ज़्यादा हो सकता है, हो जाती है बाजार में। अभी तो कोई ऐसी खास भीड़ है नहीं बाजार में, बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल कहते हैं जी, मास्क के लिए जरूर कहते हैं। हाँ तो रहे, अभी कम है, मतलब थोड़ा मैं बताया ना 60% के करीब की अभी है, बाकी उम्मीद है अभी होएगा। ऐसी बात नहीं, पैसे की पावर कम है। पैसा लोगों का आपका बीमारी की उसकी तरफ ज़्यादा, मतलब मेडिकल पे ज़्यादा लग रहा है, इन सामानों की तरफ थोड़ा कम लग रहा है। कर तो लेते हैं, लेकिन जो है फिर भी लोग समझ रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। अपना आपसे डर के तो रहते हैं, लेकिन जो है फिर भी जब भीड़ होती है तो फिर क्या करेगा। दिवाली के त्यौहार को देखते हुए बाजारों में थोड़ी भीड़ चल रही है और काफ़ी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। एसोसिएशन की तरफ से सभी को यही मार्गदर्शन किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगा कर आएँ। काफ़ी 99% लोग मास्क लगा रहे हैं, सख्ती से उसका पालन किया जा रहा है लोगों से। और सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं बन पा रही भीड़ की वजह से, पर मास्क काफ़ी लोग लगा रहे हैं। तो आनंद विहार में कई महीनों से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल कई महीनों से फुट ओवर और एक्सीलेटर काफी समय से खराब पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही। सबसे अधिक परेशानी वृद्ध लोगों को हो रही। वहीं रोजाना बुजुर्गों और साथ ही महिलाओं को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं प्रशासन भी इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। 24 जुलाई तब से खराब ही पड़ी है, 4-5 महीने हो गए। अब बीच में कुछ काम हो रहा था इस पर, फिर उन्होंने ये भी रोक दी। होनी चाहिए ठीक, होनी चाहिए, करते रहे। भाई ये ठेकेदारों की बदमाशी होगी, इनकी अंडरटेकिंग होगी जो ये लोग वो करते हैं। ठेका का जो टेंडर है इनका, इस पे भी वो आला, पल्ले वाला भी वही आला। बहुत ज़्यादा मैम प्रॉब्लम होती है, जो अपन नाइट में हम लोग आते हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम घूम के आते हैं उधर से। मैम हो गया, मैम 2 हफ्ते हो गए होंगे इसे, 2 हफ्ते से ऊपर हो गए। हम रेगुलर जॉब के लिए आते हैं, नाइट में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उधर, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है।
स्कूलों में अगर शिक्षा ठीक से मिले तो बच्चों का भविष्य उज्जवल बनता है। ईस्ट एमसीडी के सभी 354 स्कूलों कोरोना काल में बंद हो गए, जिससे बच्चों को शिक्षा में जो है वो ठीक से नहीं मिल पा रही। कभी अभिभावकों ने कहा कि स्कूलों में शिक्षा इंग्लिश के माध्यम से दी जाए। इसी को देखते हुए ईस्ट एमसीडी ने निर्णय लिया है कि निगम के सभी स्कूलों में शिक्षा इंग्लिश मीडियम के माध्यम से ही दी जाएगी। शिक्षा समिति के भी अध्यक्ष राजीव चौधरी का कहना है कि जिन स्कूलों में जो पहले से इंग्लिश मीडियम में शिक्षा दी जा रही थी उसको जारी रखा जाएगा, अगर जरूरत पड़ी तो क्लास के सेक्शन को भी बढ़ाया जा सकता है। हम अपने प्राइमरी के सभी 354 स्कूलों को इंग्लिश मीडियम करने जा रहे हैं। अब हमारे प्राइमरी के सभी स्कूलों में इंग्लिश क्लासेस होंगी। जिन कुछ स्कूलों में ऑलरेडी हमारी इंग्लिश क्लासेस चल रही थी, जिनमें ऑलरेडी इंग्लिश क्लासेस चल रही थी उनमें भी हम जितने रिक्वायरमेंट होगी, अगर एक से अधिक सेक्शनों की रिक्वायरमेंट है तो हम एक से अधिक सेक्शन सेंक्शन करेंगे। दो की जरूरत है, तीन की जरूरत है, जितने सेक्शन की जरूरत होगी उतने सेंक्शन करेंगे। अब प्राइमरी के सभी स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल होंगे। 1984 में हुए सिख दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर को भी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्थायी सदस्य मनोनीत किए जाने पर दिल्ली से लेकर पंजाब तक घमासान जारी है। विरोधी दलों ने भी कांग्रेस पर मोर्चा खोल दिया है, साथ ही कांग्रेस में भी इस पर जो है अंदर ही अंदर सवाल उठने लगे हैं कि इसी पर हमने पूर्वी दिल्ली के तीनों पार्टियों के नेताओं से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए आप। फिर भी जिनके ऊपर काली छाया आ गई, जिनके खिलाफ कुछ सबूत मिल गए, उन नेताओं को भी कांग्रेस अपनी कार्यकारिणी से दूर रखने में नाकाम हो रही है, क्योंकि कांग्रेस की इच्छा से ही वो दंगे हो रहे थे, इसीलिए नरसंहार करने वाले नेताओं को कांग्रेस दोषी मानती ही नहीं है। कभी कभी दिखावे के कारण कुछ देर के लिए उन नेताओं को दूर करती है, फिर पर्दे के पीछे से लाने की कोशिश करती है। जगदीश टाइटलर को फिर से दिल्ली प्रदेश की कांग्रेस कार्यकारिणी में लाने का मतलब ही यही है कि वो कांग्रेस में टाइटलर हों, सज्जन कुमार हों या अन्य इस प्रकार के नेता जिनके हाथों से निर्दोष सिखों की हत्या हुई है, उनको बचाने में आज तक लगी हुई है। जगदीश टाइटलर को, जो पूर्व सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे हैं, उनको दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो परमानेंट इन्वाइटीज की कमेटी बनी है उसमें उनको मनोनीत किया है, तो इसमें क्या बात हो गई अगर किया है तो? अरे भाई, जो बीजेपी इशू उठा रही है कि सरदारों के हत्यारे हैं, फलाना ढिकड़ा है, ये सब बेकार की बातें हैं। अभी दोषी उनको कोई कोर्ट ने उनको दोषी करार नहीं दिया है, कोई सजा नहीं सुनाई है। जब तक कोई सजा नहीं सुनाई जाती कोई दोषी करार नहीं होता है। ठीक है, अगर उन्होंने गलती की है तो कोर्ट उनको सजा देगी। और जब ये केस अभी तक कोर्ट में पेंडिंग है या नहीं पेंडिंग है, मैं समझता हूँ इसके बारे में बीजेपी को और अकाली दल पंजाब को ये इशू नहीं बनाना चाहिए। जो ये इशू बना रहे हैं ये गलत बना रहे हैं। इस प्रकार से जो इतने बड़े बड़े जो आरोप उन पे रहे हैं और इतना बड़ा नरसंहार जो हुआ था उसके अंदर उनको मुख्य आरोपी के तौर पे जो इनके कांग्रेस के नेताओं को देखा जा रहा था उनमें से ये एक है, जगदीश टाइटलर उनके पूर्व मंत्री भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है कि कांग्रेस के अंदर आज लीडरशिप का दिवालियापन उभर कर सामने आ रहा है। बारिश के बीच देश भर में डेंगू मलेरिया तेजी से फैल रहा। इनके लक्षण जो हैं वो सामान्य वायरल फीवर से मिलते हैं, जिसकी वजह से सही इलाज मिलने से काफी मुश्किल हो जाती है, और इस समय कोरोना वायरस भी हमारे बीच मौजूद है, तो ऐसे में लोगों के मन में और ज्यादा डर बैठ गया है। वहीं पूर्वी दिल्ली के संजय अमर कॉलोनी में विश्वास नगर निगम पार्षद अंजू कमलकांत ने भी डेंगू मलेरिया को देखते हुए एरिया में फॉगिंग करवाई है, और लोगों का कहना है कि समय रहते ही ये कदम उठाया गया है। वहीं स्थानीय निगम पार्षद ने सवाल उठाया कि अरविंद केजरीवाल 10:10 पर इस बार पलटवार किया है और कहा है कि केजरीवाल सरकार को धरातल पर आकर डेंगू के हालात देखने चाहिए। दिल्ली में डेंगू और मलेरिया के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और मैं इसका जिम्मेदार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कहना चाहती हूं कि वह कोई काम नहीं कर रहे हैं, और मैं उनसे कहना चाहती हूं कि केजरीवाल जी, घर में बैठ करके डेंगू मलेरिया ख़त्म नहीं होता है, ना ही वीडियो बनाने से ख़त्म होता है, और ना ही 10 घंटे 10 मिनट और रविवार को ख़त्म होता है। आप अपने घर से बाहर निकलिए और दिल्ली की ज़मीन पर आइए और देखिए एमसीडी कितना काम कर रही है अपने दिल्ली के लोगों को बचाने के लिए डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी से। जो हमारे इलाके में कर रहे हैं यहाँ तो काम अच्छे हो रहे हैं, लेकिन आगे से इन सबों को भी मिलेगा, जब ही तो ये करेंगे इतनी देखभाल कर पाएंगे। इस तरीके से बीमारी बढ़ रही है, हम सबको भी डर लगा रहता है एनी टाइम। बच्चे को भी कपड़े पहना के रखते हैं, लेकिन फिर भी क्या कहा जाए, कुछ भी हो सकता है किसी टाइम। यहाँ के लोगों से भी यही अपील करना चाहते हैं कि जिस तरीके से इस टाइम का ये मच्छर के पैदा होने का मौसम है, आप लोग खुद सचेत रहें, पानी इकट्ठा ना होने दें, घर के आसपास सफाई रखें, और जहाँ भी मच्छर पैदा हो वहाँ पर
पेट्रोल, मिट्टी का तेल या हम जो दवाई नगर निगम के द्वारा दी जाती है उसको डालें पानी के अंदर, जिससे कि हम सब लोग बच सकते हैं। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल एरिया में दिवाली उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डीसीपी आर सत्यसुंदरम ने भी लोगों से त्योहारों को लेकर सावधानियां बरतने के लिए कहा है। उन्होंने अपील करते हुए लोगों से कहा कि कोरोना कम हुआ है पर खत्म नहीं हुआ, ऐसे में लोगों को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। वहीं आयोजकों का कहना है कि पिछली बार दिवाली उत्सव कार्यक्रम का आयोजन कोरोना के कारण नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार पूरे एहतियात के साथ कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए दिवाली मनाएंगे। ये दीपावली के हार्दिक उपलक्ष्य में ये किया जा रहा है। इसमें हम सब जितने भी इंडस्ट्रीज़ के ओनर्स होते हैं उनको सबको बुलाकर यहाँ इनवाइट करके उनका सम्मान करते हैं। प्रभु की इतनी दया है कि आगे से व्यापार सबका बहुत अच्छा है और आने वाले दिनों में ये दीपावली का त्यौहार सब में सुख समृद्धि लाएगा और लक्ष्मी जी की अपार कृपा सब व्यापारियों पर होगी। 25 मार्च 2020 से कोरोना अभी तक रहा है और शायद 1.5 साल बाद दीपावली का ये मंगल मिलन हम कर रहे हैं, पिछली बार नहीं हुआ था। और सब उद्यमी भाई मिलकर अपने आप को एक ऊर्जावान और खुशी का माहौल में भी महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारा व्यापार भी पटरी पे आने लगा है। जो हमारे प्राइस पेट्रोल की वजह से बढ़ रहे हैं उस वजह से हमारा बूस्ट, जितना बूस्ट अप हम करना चाह रहे थे ना, वो हो नहीं पा रहा क्योंकि हर मटेरियल में तेजी है। झिलमिल न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है उनके सारे जो परिवार है वो आज दिवाली का जो कार्यक्रम बना रहा है, काफ़ी सारे जो परिवार के लोग आए हैं इकट्ठा होके, जो अपना जो दोस्ती है जो कुछ है उसका अपने आप शेयर कर रहे हैं। मार्केट ऐसी है कि जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है उसने ये पर्व का आयोजन किया है और हम सब जुड़े हुए हैं। मैं खुद इस ट्रेड से जुड़ा हुआ हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, सब लोग आपस में मिलना जुलना होता है। उद्यमी भाई क्योंकि यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर CTP के माध्यम से लाकर और उनके साथ मिलकर दिवाली के फेस्टिवल को मना रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिलशाद गार्डन में पंप हाउस की दीवार गिरने से 12 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इनमें से 8 कार और 4 दो पहिया वाहन हैं। हादसे के दौरान लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला। RW के पदाधिकारी जो हैं उनका कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है। सालों से जो दीवार है वो जर्जर पड़ी थी, उसकी मरम्मत तक नहीं हो पाई थी, इसी चक्कर में ये पूरा बवाल हुआ है। और उधर जल बोर्ड के अधिकारियों ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि ये दीवार उनकी नहीं थी। नुकसान 12 व्हीकल्स का नुकसान है, लोगों की कोई गलती नहीं है। रिपीटेडली मेरे अपने हाथ के लिखे हुए लेटर्स, साइन किए हुए लेटर्स MLA साहब हैं उनको पिछले रफली अबाउट 2.25 साल से हम लोग दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे एरिया को फंड्स की ज़रूरत है। RW के पास में इतने फंड्स नहीं हैं कि ये करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट जो वॉल्स की रिपेयर का है और डिलैपिडेटेड कंडीशंस में हैं, वॉल्स पेरिफेरल वॉल्स जो हैं इन पे लगाया जाए, इनकी थोड़ी सी सिक्योरिटी के लिए हाइट रेस की जाए, ऊपर से कंटीली तारें डलवाई जाएं। कल रात को करीब 3 बजे करीब ये जो जल बोर्ड की दीवार है ये एकदम भरभरा के गिरी और यहाँ पर लगभग 8-10 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, 3-4 स्कूटी थी, सब डैमेज हो गए। कम से कम 40-50 लाख रुपये का नुकसान हो गया। स्कूटी और स्कूटर बिल्कुल मतलब दब के एकदम जीरो हो गए। गाड़ी की हालत बहुत ख़राब थी, और लोगों की भी गाड़ियाँ सबकी, एक नई नेक्सॉन थी, एक नई क्रेटा थी, एसेंट थी, सब गाड़ियाँ खत्म हो गई। 7 इसमें कार थी और 5 ट्रू व्हीकल थे जिसमें सबका तकरीबन लाखों का नुकसान हुआ है। और अगर दिन के टाइम हुआ होता तो ज़रूर बच्चे खेलते रहते हैं, निकलने वाले जाते हैं, तो यहाँ जान माल की हाली भी हुई होती। कम से कम नहीं हुई होती तो 6-7 कैजुअल्टी इधर हो गई होती। और इन्हें बार बार कंप्लेंट करने के बावजूद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। सर मेरी एक यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी जिसके ऊपर पूरा मलबा गिर गया है, पूरी दब गई थी, और एक बाइक थी वो भी पूरी ख़त्म हो गई है। पूरा के पूरा एक ये स्कूल है, ये स्कूल के अंदर से एक पोर्शन काट के आज से 20-25 साल पहले दिल्ली पंप को दे दिए थे, दिल्ली जल बोर्ड को। यहाँ से उनका पंप ऑपरेट होता है पूरा ANM का, और उसके पीछे एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी थोड़ी जगह दे रखी है और उसके पीछे पूरा स्कूल है ये। तो ये अब से नहीं है, इनके पास कम से कम 25 साल से ये धरती है, इनके पास ये ज़मीन है। और इनको बार बार चेताया गया, हम लोगों ने अपने पूरे ब्लॉक की पेरिफेरल वॉल्स के लिए जो यहाँ के हमारे माननीय विधायक जी हैं राजेंद्र पाल गौतम जी जो कि मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार के अंदर, हमने उनसे पर्सनल मुलाकात भी करी है और उनको एक नहीं दो नहीं तीन तीन रिमाइंडर भी दे चुके हैं हम लोग कि हमारे यहाँ की जो पेरिफेरल वॉल्स हैं
एज वेल एज ये वाली वॉल भी, ये सारी जर्जर हो रही है। आकर्षक बनने के लिए लोग जिम में घंटों पसीना बहाते हैं, शरीर को बल्कि बनाने के लिए भी न जाने कौन कौन से सप्लीमेंट का उपयोग करते हैं, लेकिन ज्यादा जिम करना और शरीर के हिसाब से ज्यादा वजन उठाना आपको महंगा पड़ सकता है, ये कहना है डॉक्टर्स का। डॉक्टर्स का कहना है कि वर्कआउट उतना ही करना चाहिए जितना आपका शरीर बर्दाश्त कर पाए। कोरोना से उभर चुके लोगों को हैवी वर्कआउट से भी बचना चाहिए। उन्होंने बताया कि अमूमन लोग ज्यादा वजन उठाते हैं जिससे कि हार्ट पंपिंग तेज हो जाती है और यही हार्ट की बीमारियों का कारण बनती है। वर्कआउट उतना ही करना चाहिए जितना आपका हार्ट लोड उठा सकता है। अगर आप कार्डिक पेशेंट्स हैं तो आपको नॉर्मल तरीके से वर्कआउट करना चाहिए। अगर आप यंग पर्सन हैं तो आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि यंग लोगों में भी हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये लोग जो एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं, उससे एरिथमियाज हो जाते हैं। एरिथमिया का मतलब है कि पल्स इरेगुलर हो जाती है, उस की वजह से हार्ट लोड नहीं उठा पाता और मरीज कोलैप्स हो जाता है। तो इस चीज़ का हमें ज़रूर ध्यान रखना है। ज़्यादा एक्सरसाइज कोविड वाले पेशेंट ना करें, क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज करने से कोविड के जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं उसमें हार्ट और लंग्स जो मेनली अफेक्टेड होते हैं वो तुरंत, ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज जैसे जिम में लोग करते हैं जाके, वो टॉयलेट नहीं कर पाते, तो उसके लिए तुरंत उनको ये करना चाहिए कि जिम जाने से पहले कुछ ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक या कोई ऐसी एनर्जी ड्रिंक लेके जाएं, अपनी कैलोरीज थोड़ी बिल्टअप करके जाएं और पानी वानी की मात्रा भी अच्छी तरह से, नारियल पानी या ताज़ा पानी या एनी मिनरल वाटर लेके जाएं। तो इन सबको जिम ऑनर्स को एक तो BLS की ट्रेनिंग होनी चाहिए बेसिक लाइफ सपोर्ट की, और दूसरा उनको पास AED एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर ऑटोमेटिक ज़रूर होना चाहिए। और जो मरीज जिसको कि उम्र के हिसाब से उनको लग रहा है उसको BP है या हाइपरटेंशन है या हार्ट की बीमारी है, उनका पहले डॉक्टर से फिटनेस कराएं, ECG कराएं, इको कराएं, उसकी जांच कराएं, उसके बाद ही जिम में ज्वाइन कराएं। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा वर्कआउट करना भी बहुत ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जितना बॉडी के अंदर आप न्यूट्रिशन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्कआउट करना चाहिए। जितना माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी के अंदर रहता है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको वर्कआउट करना चाहिए। और न्यूट्रिशन को ध्यान में रखें कि आप उतना वर्कआउट करें जितना बॉडी में न्यूट्रिशन दे रहे हैं। हम पूरे दिन के अंदर कितना विटामिन ले रहे हैं, कितना हम मिनरल्स ले रहे हैं, कितना हम बॉडी के अंदर फैट दे रहे हैं यानी एनर्जी दे रहे हैं, कितना हम बॉडी के अंदर प्रोटीन ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा वर्कआउट होना चाहिए। एक्साइटेड होकर या कोई ऐसा कोई गोल सेट कर लेते हैं उसके पीछे हम जुनून अपने अंदर लाकर उसके पीछे भागते हैं और ये चीज़ ध्यान में नहीं रखते कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन कितना जा रहा है। जिस तरह से अनलॉक के बाद लोगों की भीड़ त्योहारों को लेकर बाजारों में दिख रही है, एक्सपर्ट्स उसको लेकर काफी चिंतित हैं। वहीं डॉक्टर्स भी लगातार कोरोना नियमों की कड़ाई से पालन करने के लिए कह रहे हैं। वहीं कोरोना का नया वेरिएंट लैम्डा कुछ देशों में पाया गया है, जिसके बाद से कोरोना की तीसरी लहर की संभावना बढ़ गई है। जब हमारे संवाददाता एहरार चौधरी ने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि नया वेरिएंट मिलने से खतरे की संभावना बढ़ गई है। कोरोना की तीसरी लहर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए अभी भी लोग लापरवाही को छोड़ नहीं रहे और कोरोना नियमों का पालन भी नहीं कर रहे। जी सर, देखिए सावधानी तो हमें अभी लाइफ लॉन्ग तक थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि हमारे अभी हम हर कुछ महीने के अंदर एक डिफरेंट वेरिएंट का सामना करना पड़ता है हमें। और देखिए, मास्क और 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजेशन, ये तो हमारे एक लाइफ का रूटीन हमें बनाना है। और जितना पब्लिक प्लेस में हम अवॉइड कर सकें उतना ज़्यादा अवॉइड करें, क्योंकि देखिए हमें अपनी हेल्थ का पता है, हम हेल्दी हैं, लेकिन हमें दूसरी की हेल्थ का नहीं पता। हमें नहीं पता कि वो कौन सी बीमारी से जूझ रहा है अंदर डॉर्मेंट स्टेज में। डॉर्मेंट स्टेज मतलब कि बीमारी अभी शरीर के अंदर है लेकिन बाहर कोई लक्षण नहीं आए, लेकिन डॉर्मेंट स्टेज के अंदर दूसरा मरीज़ इन्फेक्ट हो सकता है। तो हमें लापरवाही तो नहीं बदलनी। हाँ, जो केसेस बढ़ रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन भी हैं, लेकिन हमें अपना प्रिकॉशन लेना है और उम्मीद करते हैं कि हम प्रिकॉशन से ये सब लड़ाई भी दोबारा लड़ेंगे और हम उसे जीतेंगे भी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN News।